जातीय जनगणना और मंडल कमीशन दोनों को लागू करने के लिए हम लोगों का प्रदर्शन और धरना चल रहा है। बिहार की सरकार जनगणना जातीय जनगणना कराना चाहती तो आज यहाँ डीएम को भेजे होते हमारे यहाँ धरना स्थल पर, कि जब मंत्री बनाते हैं तो मंत्री का परिचय जात के आधार पर क्यों कराते हैं संसद में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की बची हुई सिफारिशों को लागू कराने की मांग को लेकर आज आरजेडी ने राज्य स्तर पर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। पटना की ये तस्वीर है जहां पर आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता और नेता आपको सड़क पर धरने पर बैठे हुए नजर आएंगे। दरअसल ये लोग डीएम कार्यालय जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया और अब आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और यहीं पर युवा कार्यकर्ताओं को एक तरीके की पाठशाला के जरिए उन्हें बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो क्यों जरूरी हैं। आपको प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम बड़े नेता इस वक्त सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ उदय नारायण चौधरी हैं जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। आप लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ के एक तरीके की पाठशाला कर रहे हैं, अपने युवा साथियों को आप लोग बता रहे हैं कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार के 3800 जिला मुख्यालय पर आज जातीय जनगणना और मंडल कमीशन दोनों को लागू करने के लिए हम लोगों का प्रदर्शन और धरना चल रहा है। ये सरकार जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। अगर ये सरकार वास्तव में बिहार की सरकार जनगणना जातीय जनगणना कराना चाहती तो आज यहाँ डीएम को भेजे होते हमारे यहाँ धरना स्थल पर, लेकिन यहाँ डीएम को उन्होंने अब तक नहीं भेजा, हम लोगों को आगे जाने से रोक दिया है कानून के आधार पर। और ये सरकार कहती है कि जातीय जनगणना से क्या फायदा हो, ये तो प्रधानमंत्री से जाके पूछिए कि जब मंत्री बनाते हैं तो मंत्री का परिचय जात के आधार पर क्यों कराते हैं संसद में, ये उनसे पूछिए। तो हम लोगों का मांग है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ये राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि जनगणना लागू नहीं होगा भारतीय संविधान के अनुसार, और जो मंडल कमीशन है लागू नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक मंडल कमीशन की बची हुई सिफारिशें लागू नहीं हो जाती और जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। पटना की सड़क पर आरजेडी की ये पाठशाला जहां इन दोनों मांगों के साथ केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती पेश की जा रही है। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।